एक कादर खान जो है ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अभी एक कादर खान बचे हुए हैं। बहुत सही, बहुत दिनों बाद मिला है आवाज। पर यार यहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन ताले हैं और बाइक की चाबी भी मिल रही है। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं साइन बोर्ड लिखा लगाया गया है, आई लव बदलापुर, मेरा प्यारा बदलापुर। जो ये आपको दिखा दे रहे हैं जौनपुर की प्रसिद्ध इमरती कैसे बनाई जाती है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं इस समय हूँ जौनपुर सिटी के कलीचाबाद तिराहा पे। तो कलीचाबाद तिराहा से आज हम लोग चलने वाले हैं बदलापुर मार्केट में, और बदलापुर मार्केट का नज़ारा कैसे है, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और कौन कौन सी चीज़ों की दुकानें हैं, सब चीज़ें मतलब सबका ब्लॉग आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसी रास्ते से सीधा हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से बदलापुर हमारा 30 किलोमीटर लगभग है, वैसे मैप में देखा जाए तो 29 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। सो गाइस, तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। वैसे आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ब्लॉग के साथ आप लोग बने रहिए क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, तो रास्ते में जो भी चीज़ें दिखाई देंगी मैं सभी चीज़ें के बारे में आपको बताऊँगा। तो आगे लगता है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो क्या चीज़ें हैं आइए आगे देखते हैं। तो अच्छा, रोड का कार्य चल रहा है यहाँ पर, तो रोड बन रहा है भाई, रोड और चौड़ा हो रहा है। फिर हम लोग आ गए भाई उस रोड में, मिल गए। अब चलिए, अब फिर से स्टार्ट हो जाता है हम लोग का सफ़र, और अभी आगे चलते हैं और आपको ढेर सारी चीज़ें दिखाएंगे ब्लॉग में। ब्लॉग के साथ बने रहिए। सो गाइस, तो देखिए ए है अलीगंज मार्केट, जैसा कि इस बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया अलीगंज। तो ए हो गया आपका अलीगंज का मार्केट, और एक अलीगंज जो है था लखनऊ में। तो गाइस, तो देखिए यहाँ पर एक खूब बड़ा सा आपको घर देखने को मिल जाता है। यार क्या घर है भाई, सपनों का महल तो है यार, गुप्ता होटल। ओ, होटल बन रहा है यार, वाह भाई क्या होटल है यार, ये बन जाएगा तो भाई जौनपुर की शान समझ लीजिए एक प्रकार से, गजब बन रहा है यार। अब हमारा आ गया हाईवे। हाँ, तो ये देखिए है हमारा हाईवे। अब हम इस हाईवे से चलते हैं, हम चलिए चलते हैं। अब यही रोड आपका लखनऊ चला जाता है। अगर आपको लखनऊ जाना है, सुल्तानपुर जाना है, तो इसी रूट से आपको जाना पड़ेगा, इसी हाईवे से। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं लखनऊ सुल्तानपुर लिखा गया है। सो गाइस, तो इस तरह से हम हाईवे पे आगे बढ़ रहे हैं बदलापुर के लिए, और यहाँ पर देखिए बोर्ड में लिखा गया है शिव गुलामगंज। तो शिव गुलामगंज इधर से जा सकते हैं, और सुल्तानपुर जाने के लिए तो भाई सीधा जाना ही है। तो गाइस, तो फाइनली जो है हम बदलापुर में एंट्री कर चुके हैं, तो अब चलेंगे हम लोग बदलापुर मार्केट में। यहाँ पर देखिए लिखा गया है बदलापुर बाज़ार, इधर से है रास्ता। अच्छा हमारा बाबू, रुके रहो आराम से। तो इधर से हम लोग घूमेंगे, और फिर अब वो हमारा लखनऊ वाला रास्ता छूट गया और हम लोग चल रहे हैं बदलापुर मार्केट में, और फिर बदलापुर मार्केट में चलते हैं। तो गाइस, तो ये देखिए हमारा बदलापुर मार्केट, तो कुछ इस हिसाब से है भाई बदलापुर। और उधर है देखिए बदलापुर का सब्जी मार्केट। तो इस समय देखिए लाल लाल टमाटर और हरी हरी मटर और सेब भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से शायद शाहगंज और मूरा बादशाहपुर भी जाने का रास्ता मिल जाता है। और कुछ भाई लोग पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कपड़ों की दुकानें हैं, और फिर इधर देखिए फुल्की उल्की मिल रही है। और ये रहा हमारा भाई आई लव बदलापुर, मेरा प्यारा बदलापुर। तो चलिए अब रुकते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए है भाई, तो यहाँ पर लगता है रात को जब लाइटिंग वाइटिंग जलती होगी तो काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो अभी कुछ है इसी तरह से है, और यहाँ पर देखिए रोडवेज बस आपको देखने को मिल जाती है। ये सब रोडवेज बस आपको जौनपुर तक ले जाएंगी। ये सब जो रोडवेज बस आप लोग देख रहे हैं, ये सब बसें जो है जौनपुर जा रही हैं। बीच में गोला बनाया गया है। अच्छा, ये इंदिरा गांधी की मूर्ति है। ओ, तो जो ये मूर्ति है भाई, ये इंदिरा गांधी की मूर्ति है, उनकी मूर्ति को बनाया गया है यहाँ पर। और बगल में थोड़ा सा हाल इसका ख़राब है,
और फिर इसी के पास आप लोग को यहाँ पर ढेर सारी मिठाई की शॉप देखने को मिल जाती है। और जैसा कि आप लोग वहाँ पर सामने देख सकते हैं, उस बोर्ड पे लिखा गया सुल्तानपुर लखनऊ दिल्ली, तो यहाँ से भाई सुल्तानपुर लखनऊ दिल्ली भी आप जा सकते हैं। तो सुल्तानपुर यहाँ से है आपका 59 किलोमीटर, और लखनऊ है 195 किलोमीटर और दिल्ली है 694 किलोमीटर। तो देखिए भाई बल्लापुर से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और यार यहाँ पर यार मिठाइयों की दुकान पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, वो है इमरती। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जौनपुर की जो है प्रसिद्ध इमरती है, तो जौनपुर सिटी की प्रसिद्ध इमरती तो है ही, लेकिन बल्लापुर मार्केट में जब आएंगे तो यहाँ पर भी आपको टेस्टी और ताज़ी रसीली इमरतियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए भाई कितनी प्यारी इमरती है, आपको दिखा दे रहे हैं जौनपुर की प्रसिद्ध इमरती कैसे बनाई जाती है। तो देखिए भैया अपने प्यारे प्यारे हाथों से कैसे बना रहे हैं। तो वैसे तो आप लोग देख रहे होंगे इमरती को, तो देखिएगा मत और आइए और टेस्ट कीजिए, क्योंकि इमरती जब टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ है। और यहाँ पर प्यारे प्यारे समोसे भी रखे गए हैं। तो और देखिए मिठाइयाँ, तो यार मिठाइयाँ तो भाई यहाँ पर बहुत ढेर सारी हैं। वैसे मिठाइयाँ तो सब कुछ देखे होंगे, लेकिन इमरती काफ़ी ज़्यादा है। और इमरती यहाँ पर देखिए ताज़ी निकल रही है, मतलब जब भी आप आएंगे यहाँ पर टेस्टी इमरती मिलेगी और ताज़ी इमरती मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। इधर जो है आपको यहाँ पर देखिए, जैसे आपको बाइक की चाबी बनवानी हो तो यहाँ पर भाई बाइक की चाबी भी बनती है। तो आप देख सकते हैं बाइक की चाबी बनवानी हो तो भी बनवा सकते हैं। नसीर पंजाबी भांगड़ा, वाह क्या बात है। तो देखिए भाई सब बैठे हैं। अच्छा भैया चाबी बनवाने कितना पैसा लेते हैं आप? 60 रुपये 80 रुपये। अच्छा दो वैरायटी की है क्या चाबी? दो वैरायटी। तो भाई 60 रुपये और 80 रुपये में चाबियाँ बनती हैं। और उस रूट में आपको फलों की दुकानें मिल जाती हैं। और यहाँ पर देखिए अगर आपके पास ढेर सारे घर हों तो ढेर सारे ताले ले जा सकते हैं। चाचा के पास ढेर सारे ताले हैं और अलग अलग वैरायटी के ताले हैं। और अगर आपके चप्पल की बद्दी निकल गई हो तो बद्दी भी ले जा सकते हैं। देखिए बद्दी भी है, वाह क्या बात है। ये अच्छा हमारे चप्पल की बद्दी टूटेगी हम आपके पास आएंगे दौड़ते हुए। और इधर देखिए लेडीज़ सामानों की दुकान, और उधर देखिए अंकल जी अपनी दाढ़ी बना रहे हैं, आप लोग देख सकते होंगे। नाम है इनका, नाम कादर खान है। और ये देखिए एक कादर खान जो है ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अभी एक कादर खान बचे हुए हैं। तो अंकल जी अभी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भाई सूज की दुकान है, और इधर भाई लोग सभी लोग खड़े हुए हैं। तो भाई देखिए सभी लोग बाय बोल रहे हैं। और यार अगर आपकी शादी हो तो शादी में इनका जो है भोपा ज़रूर ले जाइएगा, ये बहुत ही पुराना भोपा है, आप लोग को याद होगा। इसमें पानी उनी डालकर धूल धूल उल कर तब बजाते हैं। जाता है चाचा थोड़ा से बजा कर। तो बहुत दिन हो गया इसकी आवाज़ सुने हुए, डीजे के आगे इस सब की आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन आज चलिए आप लोग को इसकी आवाज़ को भी सुना देते हैं। तो चलिए अंकल जी, वाह क्या बात है, बहुत सही, बहुत दिनों बाद मिला है आवाज। बात हो गई, वाह वाह क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छा गाना है। अब इधर मटर भी टमाटर भी है भाई, तो गाइज आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं सागंज वाली रोड। तो यहाँ से सागंज भी आप जा सकते हैं, अलाहाबाद भी जा सकते हैं, प्रयागराज भी जा सकते हैं। तो बल्लापुर बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पर सब चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो सागंज वाले रोड पर भी यहाँ पर ढेर सारे शॉप आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।